वेलकम टू माय चैनल ग्रियंका। और गाइस मैं हूँ प्रियंका, मैं आई हूँ डिंगडोंग गर्ल्स के साथ। और गाइस मैंने इन चारों की टीम बना दी है। इधर है पूर्वी और साक्षी की टीम, इधर है पूजा और खुशी की टीम। गाइस आज ये बनाने वाले हैं चाइनीज प्लेटर, और गाइस जिसका प्लेटर सबसे टेस्टी होगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। बट इसमें भी गाइस तीन पॉइंट है। इसमें है कि कौन सबसे पहले प्लेटर बनाता है और किसका टेस्ट प्लेटर का सबसे अच्छा है, और लास्ट है हमारी प्रेजेंटेशन। देखने में सबसे अच्छा प्लेटर किसका है उसके लिए वो पॉइंट चला जाएगा, मतलब नो टाइमर। आज इन दोनों की ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। हम जल्दी से चैलेंज शुरू करते हैं। और आपको जैसे मैंने बता दिया, इधर है पूजा की टीम, इधर है पूर्वी की टीम, तो जाएगा कौन पहले? स्टोन पेपर सीजर, जो भी हारेगा वो जाएगा, या वो उसके पास चॉइस होगी कि उसको जाना है या अगर टीम को भेजना है। ठीक है, और गाइस टाइमर मैं नोट करूंगी, मैं देखती रहूंगी कि प्लेटर कितनी देर में बन रहा है, और लास्ट में ही मैं आपको बताऊंगी, इन सबको भी लास्ट में पता चलेगा कि किसने सबसे कम टाइम में प्लेटर बनाया है। तो गाइस खेलने वाले हैं स्टोन पेपर सीजर खुशी एंड पूर्वी। ओ गाइस स्टोन पेपर सीजर। तो गाइस अब पूर्वी के हाथ में पावर है कि उसको पहले जाना है या ऑपोजिट टीम को पहले भेजना है। तो पूर्वी गाइस हम सोच रहे हैं कि मैं और साक्षी पहले चले जाते हैं, क्योंकि पहले जाने के कुछ फायदे होते हैं। यू नो वो कुछ वैसा बनाएंगे हम, उससे पहले हम खुद बना देंगे, मतलब ये कोई नहीं कहेगा कि चीटिंग करी है या उनका आइडिया हमने चुरा लिया, तो ये हमारा सब फ्रेश होगा। सेम भी तो बना सकते हैं यार, बना लो, बट हम कुछ मतलब अलग करना चाहेंगे। ओके, तो गाइस देखते हैं कि पूर्वी आज क्या अलग करने वाली है, तो जल्दी से चलो किचन में। तो गाइस मेरी और साक्षी की टीम पहले नंबर पे आ चुकी है हमारी चाइनीज प्लेटर बनाने, और हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिले मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा मंचूरियन ग्रेवी मिक्स, इससे हम मंचूरियन बनाएंगे। सेकंड है हमारी चौमिन, ये अभी बॉइल्ड नहीं है, इसे बॉइल करेंगे, देन आगे का प्रोसेस होगा। एंड दिस इज आर वीगन मोमोज गाइस, ये अभी ऐसे ही कच्चे हैं बट इन्हें प्री हीट वगैरह करके ये बनेंगे। और यहाँ रखे हैं हमारे स्प्रिंग रोल्स, इनको भी डीप फ्राई करना पड़ेगा। और ये मेन इन्ग्रीडियंट है कैबेज, जिससे हमारे मंचूरियन बनेंगे एंड हमारी चौमिन में भी बहुत ज्यादा यूज होगी। सो गाइस अभी दोनों चाइनीज प्लेटर बनाने वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट कर देती हूँ इनका टाइमर। और अब मैं इनको बताऊंगी भी नहीं कि कितना टाइम हो गया है। नहीं गो गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम अपने नूडल्स जो है वो बॉइल करने डाल रहे हैं, इनको हम स्टार्टिंग में बॉइल कर रहे हैं ताकि ये जल्दी बॉइल हो जाए और हम कम टाइम कंज्यूम करके अपना प्लेटर रेडी कर सके। पानी कहाँ है इसमें? अच्छा है, डाल रहे हैं। पानी मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे भी बहुत मेहनत से दिखा। गाइस मैं ये कैबेज काटने जा रही हूँ क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द चीजों में यूज होगी। गाइस इन्हें जल्दी पकाने के लिए मैं इनमें नमक डाल चुकी हूँ, अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए और चिपके ना। तो गाइस ये जो टाइमर, मैं इनको नहीं दिखा सकती पर आपको मैं दिखा सकती हूँ, तो आप देख सकते हो टाइम हमारा ये हो गया है और इनका कितना काम हो चुका है। आओ चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी नूडल्स बॉइल हो रहे हैं, ये अभी अच्छे से बॉइल हुए भी नहीं है। और गाइस ये फ्राई पैन जिसमें अभी ऑयल जा रहा है, और ये क्यों जा रहा है साक्षी तुम बता सकती हो? गाइस हमारे जो स्प्रिंग रोल है उनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल जा रहा है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि पूर्वी क्या कर रही है टाइमर छुपा के, क्योंकि इनको टाइमर दिखाना नहीं है कितना टाइम हो चुका है। तो इधर आप देख सकते हो रसबी। गाइज मैंने कैबेज यहाँ कट कर दी है हमारी चौमिन के लिए, और ये मैं बारीक कैबेज कट कर रही हूँ मंचूरियन के लिए, क्योंकि उसकी बॉल्स बनानी होती है तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी कैबेज चाहिए होती है। अपने स्प्रिंग रोल का पैकेट जो है वो कट कर रही हूँ, अभी हमारा तेल बस गर्म ही हो जाए। तो गाइज यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम इसे भी फ्राई कर रहे हैं, बस हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो गाइस आप टाइम देख सकते हो, और अभी देखते हैं कि क्या क्या हो चुका है। और गाइस अरे 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 बाबा, गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा प्लेटर जिसमें हमारा प्लेटर आएगा एकदम सज धज के। अभी ये खाली है, ये पूरा का पूरा भर जाएगा, और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ गाइस इस बात का। तो गाइस आप देख सकते हो दोनों के साथ उस साइड है, तभी मैंने टाइमर ऐसा लिया हुआ है, उसके बाद भी मेरी तरफ देखते ना मैं ऐसे कर लेती हूँ, इनको पता नहीं है मतलब कि टाइम कितना हुआ है। अगर ये चीटिंग करेंगे ना तो इसी से ही ना।
गाइस मैं अब मंचूरियन का वो पेस्ट तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने चॉप कैबेज डाल दिए, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ प्याज यहाँ पे, और ये थोड़ा सा गार्लिक, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये हमारी लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, और यहाँ जाएगा नमक, और नमक हम थोड़ा ग्रेवी में भी डालेंगे। अब मैं इसमें डालती हूँ मैदा। गाइस अब हम इसमें पानी डाल के इसकी बॉल्स तैयार करेंगे। गाइस हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें अपने स्प्रिंग रोल तलने जा रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये है टाइमर, अब इसको हम छिपा देते हैं। और इधर है नूडल्स और इधर है स्प्रिंग रोल जो कि साक्षी बना रही है। तो तुम्हें कितना टाइम लग सकता है अभी? अभी और कितना लगेगा? मतलब पता नहीं। नीचे से तो पक चुके हैं, बस ऊपर से हल्के हल्के पकने रह गए हैं। आई विश ये जल्दी जल्दी बन जाए। कितना टाइम लगेगा अभी? और अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी एक विश भी परफेक्टली रेडी नहीं हुई है अभी। ओके, और कितना टाइम हो चुका होगा? शायद 15 मिनट। नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। पहली बता रही हूँ, अपने दिमाग से काम लेना। और गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि ये है टाइम। दिखा दो। नहीं। अपने स्प्रिंग रोल निकाल दिया, मैंने कट कर रही हूँ। वाओ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रंची है। गाइस गरम है यार, जल्दी बनाओ, ये ठंडी हो जाएंगी जब तक मैं खाऊंगी। गाइस अब मैं डाल रही हूँ ये मंचूरियन बॉल्स हमारे तेल में, इनको फ्राई करने के लिए। तो गाइस मैं अपनी चाउमीन बनाने के लिए रेडी हूँ। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लिए, सारी वेजिटेबल्स, ये मेरे मसाले, यहाँ पे गाइस लंबे कटे हुए प्याज, यहाँ पे हमारी बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन, और यहाँ पे हमारी लंबी कटी हुई कैबेज। गाइस तेल हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे लहसुन, और इसको थोड़ा सा ना पका लेना। गाइस आप देख सकते हो टाइम इतना हो चुका है। तो गाइस तुम्हारा अभी क्या रह गया है बनने के लिए? प्रियंका अभी हमारे मोमोज रह गए हैं सारे के सारे, एंड अभी मंचूरियन यहाँ फ्राइड हो रहे हैं, बट ये ग्रेवी में डाल के मतलब तो बनाने, तो वो वाला प्रोसेस पूरा रह गया है अभी। और गाइस यहाँ पे हमारी अनियन जाने वाली है, अनियन चली गई है, जाने क्या वाली है। अब इनको ना हमें सिर्फ सौते करना है, हमें अच्छे से कुक नहीं करना है इन्हें। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे कैबेज, और गाइस इसे ना सिम करके करना। गाइस हमारी वेजिटेबल्स जो है वो रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारे नूडल्स। गाइस आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स इतने लंबे लंबे, ये टूट भी नहीं रहे हैं, ये देखो। गाइस ये रहे हमारे मोमोज, और हम चार बनाएंगे, तो दो हम सोच रहे हैं फ्राई कर देते हैं, एंड दो हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो ये चले गए हैं तेल में, और गाइस इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मिर्च। और गाइस हम पे विनेगर नहीं था, तो हम इसमें अमचून डाल रहे हैं थोड़े खट्टेपन के लिए, ताकि हल्का सा खट्टा टेस्ट आए इसमें। और गाइस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। देखना चाइनीज माल तो एज यूजुअल कलर बदलने में माहिर होते हैं, तो हमारे नूडल्स के भी कलर ये देखो कैसे बदल गए हैं। गाइस बगल में आप आवाज सुन सकते हो हमारे मोमोज की कैसे आ रही है। गाइज ये हमारे दो फ्राइड मोमोज रेडी हैं, अब हम बाकी काम शुरू करते हैं मंचूरियन बनाने का। चाउमीन बन चुकी है, बट मैं सब ढक के रख रही हूँ ताकि हमारी जो चाउमीन है वो अच्छी रहे। अब हम मंचूरियन ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये गार्लिक डाल रही हूँ इसमें। मैं यहाँ पे अपने मोमोज जो है वो स्टीम कर रही हूँ, अब स्टीमर हम पे है नहीं तो हम जुगाड़ लगा रहे हैं। गार्लिक के बाद मैं यहाँ प्याज डाल रही हूँ। ये मैं हमारा नॉर का मंचूरियन ग्रेवी मिक्स कर रही हूँ, पानी में डाल के ये मिक्स होगा। तो अभी हाँ अभी ये मसाला डाल रही हूँ, और अब इसे हम पानी डाल के करेंगे मिक्स ग्रेवी। ग्रेवी मिक्स मैं डाल रही हूँ अपने इन चॉप्ड वेजिटेबल्स में,
हम पहली बार बना रहे हैं एंड होप सो अच्छा बने, कुछ उल्टा ना बन जाए। तो गाइस आप देख सकते हो टाइम इनका इतना हो गया है जो कि मैं इनको नहीं बताऊंगी, और देखते हैं कि इनका क्या क्या बन चुका है। तो गाइस ये स्टीम मोमो है ना? हाँ जी, देखने से पता चल रहा है। और ये तुम्हारी, ये ग्रेवी बन गई है मंचूरियन की। ओके, ये थोड़ा पक रही है। तो अभी तुम्हारा क्या रहता है? बस ये मंचूरियन हमें इसमें डालना है एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। ओह माय गॉड, तो तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम हो चुका है? 40 मिनट। बिल्कुल सही। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही क्रंची क्रंची चाइनीज फूड मेरे सामने रखा हुआ है, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ भाई, जल्दी से बनाओ, मेरे को भूख लग गई है बहुत ज्यादा, बनने वाला है। गाइस मैंने इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया है, ये थिक ग्रेवी अपने आप बनती रहेगी, हीट तो हो ही रही है। और साथ में हम डाल रहे हैं मंचूरियन बॉल। यहाँ पे हमारे मोमोज रेडी, ये तो डक गया। गाइस हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो गाइस टाइमर आप देख सकते हो कि इतना इनका टाइम हो चुका है, और अब ये क्या कर रहे हैं? डेकोरेशन। यस गाइस, अब हम जा रहे हैं प्लेटिंग की तरफ। आप देखो हमारे ये मोमोज तैयार हैं, ये रहे हमारे स्प्रिंग रोल, यहाँ है हमारे फ्राइड मोमोज, और ये है हमारी चाउमीन, और इधर है हमारे मंचूरियन। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकी प्लेटिंग। गाइस मैंने ये कैबेज के पत्ते ऐसे रख दिए हैं, और अब मैं इनपे डालूंगी ये चाउमीन। इसी के साथ मैं ये डाल रही हूँ हमारे मंचूरियन। और यहाँ जाएंगे गाइस हमारे मोमोज, ये रहे स्प्रिंग रोल्स। दो स्टॉप। यस। तो गाइस आप देख सकते हो ये इनका टाइम हुआ है, और आप भी नोट कर लेना और मैं भी नोट कर लेती हूँ उस टाइम को, और मैं इनको नहीं बताऊंगी कि इन्होंने कितनी देर में अपना एक पूरा प्लेटर, चाइनीज प्लेटर तैयार किया है। गाइस देखने में तो बहुत ही ज्यादा ये लजीज, बहुत ज्यादा मेरे मुंह में पानी भर गया। अब टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ओके गाइस, ये रही हमारी चाइनीज प्लेटर, एंड ये है चटनी और स्वाद बढ़ाने के लिए। अब हम इसे ले चल रहे हैं प्रियंका के पास। प्रियंका टेस्ट करके बताओ हमारा खाना कैसा बना है। सबसे पहले आप देखिए कि कितने अच्छे से इसकी डेकोरेशन हुई है, और ये बहुत ही ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। अभी मैं इनको कोई भी पॉइंट नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक सेकंड टीम का फूड मेरे सामने नहीं आ जाएगा, क्या पता इससे भी अच्छी डेकोरेशन पूजा और खुशी कर दे। तो गाइस अभी मैं कोई पॉइंट नहीं दूंगी, टेस्ट करूंगी और बस बताऊंगी कि अभी कैसा खाना बना है। ओके तो गाइस सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल ट्राई करूंगी, जो कि बहुत ज्यादा क्रंची है और देखने में बहुत ज्यादा यम लग रहे हैं। और ये है गाइस की चटनी। वाओ, बहुत खाने का मन कर रहा है। गाइस ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मतलब क्रंची है। गाइज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने दो तरीके के मोमोज बनाए हैं। एक है यहाँ पे हमारे स्टीम मोमोज जो नॉर्मली होते हैं, एंड दिस इज आर फ्राइड मोमोज। तो गाइज सबसे पहले मैं ये स्टीम मोमोज ट्राई करने वाली हूँ। okay. और ये मैं मंचूरियन के साथ भी और थोड़ी सी चटनी के साथ भी। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। बारी आई है फ्राई मोमो की, जिसको मैं दोबारा मंचूरियन और चटनी के साथ खाऊंगी। अच्छा कॉम्बिनेशन है। गाइस अब बारी हमारी चाउमीन की, जिसको तो मैं मंचूरियन के साथ खाऊंगी क्योंकि वो मंचूरियन के साथ ही खाया जाता है। तो एक मैं बॉल ले लेती हूँ जो बहुत मेहनत से बनी है। तो गाइस आप देख सकते हो मंचूरियन की बॉल बिल्कुल ऐसे ही बनी है जैसे हम बाहर खाते हैं। वाओ यार, मंचूरियन के जो बॉल है ना, वो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। जब भी हम घर पे ट्राई करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि अंदर से कच्ची रह जाती है, बट ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। मैं तुम दोनों को एडवाइस देती हूँ, तुम साइड बाय साइड ना, सच में बता रही, चाइनीज प्लेटर का ना कॉर्नर स्टार्ट कर लो, बहुत ज्यादा अच्छा चलने वाला है। गाइस उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और सच में फूड भी बहुत टेस्टी बना है।
और अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि अभी मैं जब तक मैं सेकंड टीम का फूड ट्राई नहीं करूंगी तो तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट ये बहुत टेस्टी है। तो गाइस मैं इसको जल्दी से खत्म करती हूँ और फिर गाइस चलते हैं अपने सेकंड टीम की तरफ, वो क्या बनाते हैं कैसे बनाते हैं वो देखने के लिए। अब आई हमारी सेकंड टीम की बारी, इधर है पूजा और इधर है हमारी खुशी और मेरे हाथ में है टाइमर, मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी और ये दोनों भागेंगे एकदम किचन की तरफ। तो गाइस रेडी हो? ओके 1 2 3 एंड गो। तो गाइस आप देख सकते हो इनका टाइम इतना हो चुका है जो कि मैं इनको नहीं बताने वाली, तो इसी से पूछते हैं जी क्या कर रही हो? कैबेज काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, चॉपिंग कर रही हूँ। चॉपिंग किस चीज के लिए कर रही हो? नूडल्स और मंचूरियन दोनों के लिए। ओके तो गाइस खुशी हमारी चॉपिंग कर रही है नूडल्स और मंचूरियन के लिए और इधर पूजा, पूजा तुम क्या कर रही हो? मैं मंचूरियन के लिए वो डो बनाते हैं ना वो बना रही हूं। ओके जो बॉल्स बनती है। यस बॉल्स। ओके गाइस अब हम डाल रहे हैं मिर्च, लाल मिर्च एंड थोड़ा सा धनिया। अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। गाइस मैं स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल चढ़ा रही हूं, नहीं गरम भी हो जाएगा। एंड गाइस मेरा ऑयल गरम हो चुका है, मैं इसमें 3 स्प्रिंग रोल डाल रही हूं। गाइस आप देख सकते हो ये इनका टाइम हो गया है और फोन नीचे। तो पूजा क्या बना रही हो? मैं ये मोमोज को स्टीम करने वाली हूँ। ओके स्टीम मोमोज बना रही हूँ, मतलब बेसिकली पहले मतलब बेसिकली हम उनको स्टीम करेंगे फिर बाद में हाफ मोमोज को फ्राई करेंगे। ओह वाओ इधर खुशी तुम क्या बना रही हो? स्प्रिंग रोल होने वाला है बस, मेरे को साइड साइड से पका रही हूँ, ऊपर से तो पक गए। तो गाइस आप देख सकते हो स्प्रिंग रोल बन गए हैं इनके और क्या बन गया है? अभी तो सिर्फ वही बना है स्प्रिंग रोल बने हैं। आप देख सकते हो वो भी देखते हैं कि अभी ये क्या करेंगे। गाइस अब हम डाल रहे हैं हमारे मोमोज में हल्का सा पानी। हमारे मोमोज रेडी हो रहे हैं, अब हम कुछ और करते हैं। गाइस अब मैं अपने स्प्रिंग रोल को कट करती हूँ और ये हम थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे, ज्यादा नहीं है बट ठीक है। तो गाइस मैं अपने मल्टीग्रेन बॉक्स को ऑयल में डाल रही हूँ। अच्छा आप देख सकते हो टाइम हो गया है ये और देखते हैं कि पूजा क्या कर रही है। पूजा क्या कर रही हो तुम? और इसी के साथ गाइस आप टाइम देख सकते हो गया है इनका टाइमर, जब स्प्रिंग रोल लगाने शुरू कर दिए है। तो तुम्हारा सब कुछ बन गया है क्या? नूडल्स कुछ नूडल्स रह गए वो हम बाद में कर देंगे, बट पहले से थोड़ा प्रिपरेशन हो जाते हैं ना कि okay. और बाद में भी टाइम नहीं बचेगा कि okay. मतलब उसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए। ओके okay. सारे मतलब जितने भी आइडियाज है ना माइंड में सब ट्राई करके देखूंगी, जो बेस्ट लगेगा वो रखूंगी। ठीक है गाइस मेरी मंचूरियन बॉल्स भी फ्राई हो गए हैं, मैं अपने नूडल्स की भी तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों अपने पैन में मैं प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन करने तक इनको भूनूंगी। एंड गाइस इसी में मैं अब डाल रही हूँ अपनी कैबेज। गाइस मैंने इसमें कैबेज और ग्रीन चिली चॉप करके डाल दी है। एंड गाइस मैं अब इसमें अपने मसाले नमक वगैरह हल्दी वगैरह डाल रही हूँ। गाइस अब हम हमारे मोमोज को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, सब्जियों के साथ थोड़ा सा टमाटो केचप भी डालूंगी और डालूंगी सोया सॉस। हमारे मंचूरियन की ग्रेवी के लिए मैंने ये थोड़े से प्याज एंड कैबेज को अच्छे से थोड़ा कस करके इसमें सॉटे कर रही हूँ।
तो गाइस आप देख सकते हो उनका टाइम हो चुका है इतना, और अभी गाइस इनसे पूछते हैं इनका क्या क्या रह गया है। तो गाइस यहाँ पूजा भी बिजी है, ठीक है, तो खुशी से बात करते हैं। खुशी तुम बिजी हो? हाँ बिजी तो हो, पर बता दो कि क्या रह गया अभी तुम्हारा बनना। बस हमारा मंचूरियन बन रहे हैं। ओके भाई बाकी सब हो चुका है हमारा। अच्छा डाल दो। हाँ गाइस अब हम इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे, पकने देंगे। गाइस देखो ये बॉइल्ड होती है, अपना कलर चेंज कर रहा है एकदम, जैसे मंचूरियन की ग्रेवी होती है। एंड अब हम इसमें अपनी बॉल्स डालते हैं। अब मैंने सारी बॉल्स डाल दी हैं अपनी, थोड़ी देर हम करेंगे यानी फिर हमारा रेडी हो जाएगा। हमारा सब कुछ बन चुका है, अब हम बस प्लेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो प्लेटर है उसको रेडी कर रहे हैं। ये क्यों सपोर्ट दी मैंने? और गाइस इसके साथ आप टाइम भी देख सकते हो, प्लेटिंग में कितना टाइम लगेगा इनको अब पता नहीं क्या होता है। प्रियंका मुझे हार्ट अटैक दे रही है। तो गाइस आप देख सकते हो इनको प्लेटिंग में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। और तो गाइस ये रहा टाइमर और ये रही मंचूरियन, और अभी देखो गाइस इनको कितना टाइम लगता है। कंप्लीट हो गया तुम्हारा? यस कंप्लीट। ओके सो गाइस कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया है और आप देख सकते हो इनका टाइमर है ये। गाइस हमारा प्लेटर एकदम रेडी है, अब हम चलते हैं प्रियंका के पास, उसको टेस्ट कराते हैं, वो बताएगी कैसा बना है। गाइस आप देख सकते हो कितने बढ़िया से मेरे सामने एक चाइनीज प्लेटर रखा हुआ है, और वो भी इतने अच्छे से डेकोरेशन होके रखा हुआ है। गाइस मेरा मतलब मैं बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी पूरा पूरा भर बारा भर रहा है, क्या करूँ। तो गाइस आप डेकोरेशन तो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है, मतलब डेकोरेशन मैं इनको दूँ या उनको दूँ अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। पॉइंट किसको ज़्यादा चाहिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, बट ठीक है चलो अब हम टेस्ट की बात करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले अपना यम्मी सा क्रंची सा स्प्रिंग रोल खाऊंगी। चटनी है ऊपर। ओके हाँ गाइस चटनी है, कम लगे तो लगा सकते हो। देखो ये बाव तो भी कर रही है, जब रिजल्ट आएगा ना तब पता नहीं पलट ना जाए। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ ये स्टीम मोमो। ओके गाइस ये मैं मंचूरियन और चटनी के साथ दोनों के साथ खाऊंगी क्योंकि मुझे टेस्ट तभी आता है। वाओ यार अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये कौन से है? पैन फ्राइड। ओके तो गाइस ये है पैन फ्राइड, जिसको मैं चटनी मंचूरियन मंचूरियन भी क्या करूं, मुझे उससे टेस्ट आता है। ग्रेवी के साथ खाने में ना एक अलग ही टेस्ट है। मैं भी ट्राई करूंगी। मैंने पहली बार देसी घी के मोमोज खाए गाइस। गाइस वी आर रिच गाइस, एक्चुअली मेरे को ना देसी घी हर चीज में चाहिए चाहिए, तो इससे भी मैंने देसी घी लगवाया मुझे। और ये है भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा टेस्ट आया देसी घी के साथ मोमोज। गाइस आप भी ट्राई करना। और आप गाइस मैं खाने वाली हूँ नूडल्स मंचूरियन के साथ। सो गाइस ये है हमारी मंचूरियन और ये हम नूडल्स में डाल रहे हैं, उसके बाद खाती हूँ मैं इसको। ग्रेवी भी तो डालो थोड़ी सी। ये भी देसी घी में है, वाह। मतलब अगर आपको ये फूड देसी घी में मिल जाए तो गाइस घर में बनाने का फायदा ये होता है कि हम देसी घी उसको, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ऑयल सही नहीं रहता तो घी थोड़ा सही रहता है। गाइस सच में यार ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने ना खुशी को स्पेशल बोला था कि नूडल्स को चॉप मत कर दियो, लंबे रहने दियो। मतलब मैं खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ। खा दी जाओ बस हमें नंबर दे देना। यार ये बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। पहले मैं इसको खत्म करती हूँ और उसके बाद हम अपनी सेकंड टीम को बुलाते हैं। तो मैंने दोनों का ही फूड टेस्ट किया, इतना ज़्यादा यम्मी, इतना ज़्यादा टेस्टी। मैंने पहली बार इतना सारा चाइनीज़ फूड एक दिन में खाया है गाइस,
क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा था पूर्वी और साक्षी की। तो गाइस इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा फूड बना था वो, और मुझे इतना खाने में इतना मजा आ रहा था, बहुत ही ज्यादा। सेम पूजा और खुशी, इन्होंने देसी घी का जो तड़का लगाया है चाइनीज फूड में, वो तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा था उसको खाने में। और अब मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। बट गाइस एक जो पॉइंट है जो कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, जो कि टाइम का था, इनका जो टाइम है वो 4 मिनट से ये थोड़े पीछे रह गए हैं, क्योंकि इनका जो टाइम था वो 36 मिनट कुछ सेकंड था और इनका जो टाइम था वो 40 मिनट कुछ सेकंड था। तो एक जो पॉइंट है वो हमारा जा रहा है पूर्वी और साक्षी पे। बट गाइस आप लोगों ने खाना भी बहुत डिलीशियस बनाया था एंड दी डेकोरेशन इज सुपर्ब। तो गाइस चाइनीज फूड में देसी घी का तड़का, मतलब ये आइडिया इतना इनोवेटिव कैसे हो सकता है। तो ये जो टेस्ट वाला जो सिर्फ और सिर्फ देसी घी के वजह से पॉइंट जा रहा है खुशी और पूजा के पास। बहुत ज्यादा टेस्टी खाना था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर का खाना खा रही हूँ। वैसे तो घर का ही बना था सब कुछ, बट वो भी इतने ध्यान से कि हम तेल और रिफाइंड यूज ना करके देसी घी का यूज करें, तो वो तो और भी ज्यादा मजा आ गया। तो गाइस अब बारी आई है डेकोरेशन की। तो आपको पूर्वी और साक्षी ने जो डेकोरेशन करी थी एकदम कैबेज के पत्तों पे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और हमारा प्लेटर आता भी ऐसे ही है। बट अगर मैं पूजा की और खुशी की बात करूं तो गाइस एकदम वो क्या बोलूं मैं ना, तो इनमें बहुत कंफ्यूज हूं, मतलब 19 और 20 का फर्क हुआ है बस। तो मुझे जो डेकोरेशन 19 और 20 रह गई है, 19 रह गई है पूर्वी की और 20 हो गई है पूजा की। मतलब गाइस हमें मिल गए हैं 2 पॉइंट्स राइट प्रियंका? यस गाइस, बिल्कुल 19 और 20 वाला ही फर्क था टेस्ट में भी, डेकोरेशन में भी, और बस जो हमारा टाइम था वो थोड़ा ज्यादा लग गया इनको। बट यार कांग्रेचुलेशन गाइस, एंड गाइस कांग्रेचुलेशन टू यू गाइस, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना था। विनर गाइस, अब मैं अपनी पॉकेट में से निकालती हूँ कुछ रोकड़ा, जो कि गाइस हर बार दिया जाता है। तो गाइस ये हमारा प्राइज मनी जा रहा है पूजा और खुशी को। और गाइस आपको कौन सी टीम का फूड अच्छा लगा वो कमेंट्स में बता देना, और आपको अगर आज का चैलेंज अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से चैलेंज के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय।